अरे खोलो भाई, मैं जानू हूँ अंदर ही हो। बापू साहब जवाब मत देना, अपने आप चला जाएगा। अरे भाई साहब माचिस या लाइटर है? जरा दे दो। बापू साहब लाडू, अपनी को ज्यादा टाइम ना लगेगा पता करने में कि हम लोग भी आई, इसलिए इसके पहले बहुत देर हो जाए। प्लीज प्लीज जाके पुलिस को ले आओ प्लीज। मैं चलता हूँ। ये लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा करिए। हाँ लेकिन मुंह मीठा किस वजह से किया जा रहा है? वेल जी, मुंह मीठा इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आज सीट का ऑफिस में फर्स्ट डे था और इसने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। पता है ऑफिस से कितने सारे कॉल्स आ गए हैं, मुझे सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। बस मैंने ये गुड न्यूज सुमित्रा को दी तो इसने ये सब। Well done. देखा जी, मैंने कहा था ना कि सिट भी आयान से कम नहीं है। आई थिंक जे हमें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सिट पे ट्रस्ट करना चाहिए। आई मीन घर में दो दो इक्वली टैलेंटेड बॉयज हैं तो सारी जिम्मेदारियां किसी एक पे क्यों डाली जाए? उसे भी तो थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिलना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा, आप मुंह मीठा करिए। पता है कनिका, मैं हमेशा बोलती थी मेरे सिट को एक मौका दो, मेरे सिट को एक मौका दो, पर किसी ने ना मेरी बात मानी नहीं। भाई साहब देखा, सिट को एक मौका मिला और उसने चौका नहीं सीधा छक्का ही मार दिया। सिद्धार्थ, यहाँ सब तुम्हारी तारीफ किए जा रहे हैं, तुम खुद बताओ तुम्हारा पहला दिन ऑफिस में कैसा रहा? मैंने तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश की बड़े पापा। जो चीजें काफी टाइम से एक जैसी हो रही थी उनको एक नए अप्रोच के साथ चेंज करने का सोचा और किया भी, और आगे भी ऐसे ही कंपनी के बेटरमेंट के लिए जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगा। सिड ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है। अरे कब से ताऊजी को फोन मिला रहा हूँ, उठा ही ना रहे। हे माता रानी, पता नहीं क्या हुआ होगा, आप उस पुलिस स्टेशन पहुंचोगे या नहीं? पुलिस स्टेशन क्यों ना पहुंचोगे, देखना अब तक तो वापस भी आ रहे होंगे। बापू साहब, प्रताप भाई साहब, लगता है बापू साहब आ गए पुलिस लेकर। जाओ दरवाजा खोलो। हाँ बापू साहब। प्रताप भैया थे, चुप क्यों, पुलिस आ गई ना? प्रताप भाई साहब, भाई साहब तलवारें इन बैक जोड़े मैन। गलत है क्यों, मतलब? बाबा सिड ने जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया है एम्प्लॉइज कम करने का, उससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं सिर्फ नुकसान होगा। अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है जब कोई उनसे बेटर और डेयरिंग काम करता है। आयान, तुम बिना रिजल्ट्स देखे कंक्लूजन पे कैसे पहुंच सकते हो? मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूं आंटी। और सिट, अगर तू कंपनी के लिए कोई अच्छा फैसला लेगा ना तो सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा। लेकिन इम्प्लॉइज को कम करके एफिशिएंसी बढ़ाने का डिसीजन गलत है। अगर हम उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे तो इम्प्लॉइज उस कंपनी में चले जाएंगे जहां वर्किंग आवर्स कम है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों में मैं नए इम्प्लॉइज हायर कर लूंगा। ये कंडीशन बस तब तक है जब तक नए एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग चल रही है। तू समझ नहीं रहा है सिर, इन एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए हमें इन्हें ओवरटाइम के लिए पे करना पड़ेगा, उससे इनकी सैलरीज बढ़ जाएंगी, और फिर एकदम से उनकी सैलरी कट डाउन करना उनके साथ फेयर नहीं होगा, क्योंकि सैलरी के हिसाब से वो लोग अपने लाइफस्टाइल चेंज कर चुके होंगे।
बाबा इसी तरह अगर हम इम्प्लॉयज को ट्रेन करने में इन्वेस्ट करते रहे और फिर अगले महीने वो दूसरी कंपनी में चले जाएं, तो इससे हमारी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। अयान का पॉइंट सही है सिद्धार्थ, कम से कम एक बार अयान से बात कर लेते ना। एक मिनट जय, अयान जो कह रहा है मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिलहाल सिड ऑफिस संभाल रहा है तो जैसा वो करना चाहता है उसे करने देते हैं। आयान अगर हर बात में इंटरफेयर करता रहेगा तो फिर इसे छुट्टी देने का क्या मतलब? आयान तुम प्लीज काम को लेके टेंशन मत लो, हम सब मिलके संभाल लेंगे, तुम बस तन्नू और अपनी मैरिड लाइफ की तरफ ध्यान दो। ऐसे देखा जाए तो कनिका बिल्कुल सही कह रही है यार, तुम ऑफिस की टेंशन मत लो, अगर सिद्धार्थ कोई गलती करेगा ना तो वो डांट खाएगा है? तुम बस रिलैक्स करो। रिलैक्स ही तो नहीं कर पा रहा हूँ बाबा, आप लोग समझ नहीं रहे, इस एक डिसीजन से हमारी कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारी नुकसान हो या हल्का, ये सब तुम थोड़े दिन के लिए सोचना बंद कर दो। एंड थैंक योर ब्रदर, उसने आज हमारे लिए ऑफिस का काम संभाला और शाम की आउटिंग का भी प्लान किया, और तुम हो के उसे चैन की सांस भी नहीं लेने दे रहे हो। तनिषा सही कह रही है यार। और नहीं तो क्या दादी, सिड हमारे बारे में कितना सोचता है, पिछली पार्टी भी उसने कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज की थी, पर अफसोस अयान साथ नहीं आ पाया, पर इस बार हम साथ आएंगे। हाँ जरूर जाओ और खूब इंजॉय करो, और अयान तुम सब कुछ भुला कर अपना पूरा अटेंशन मेरी तनु को दो, इतना तो ये डिजर्व करती है ना। इस बार तो बाजी भी मेरे हाथ में है और पूरा परिवार भी मेरे साइड से खेल रहा है, अब तुम्हारा क्या होगा। थैंक यू सिद्धार्थ हमारे लिए इतना सोचने के लिए। इट्स कम्प्लीटली फाइन, और भाई आगे से ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। I'm sure, नहीं देगा तुम मौका। अच्छा तनु, तुमने सबको रेडी होने के लिए बोल देना टाइम पे। हाँ हम टाइम पर रेडी हो जाएंगे, है ना यार? हाँ। अरे के हाल चाल है मारी सजनिया। Do you miss me? बुरा लग रहा है। ये देख दफ्ता है? पगल में चोरी अब पूरे मुंबई शहर में टिंडोरा है। अरे किसके इशारे का इंतजार कर रही है तू है? अरे अब तो पूरी कायनात हम दोनों को मिलाना चाह रही है, तो इसे ही माता रानी का चमत्कार समझ। चल बाकी के बचे हुए फेरे भी काट लेते हैं। चल पप्पी छोड़, चला पकड़ कर। छोड़ आंटी। आयान मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। आंटी मैं सिर्फ सिट को समझाने की। मैं सिट की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात कर रही। तुमने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया है कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ बन गई। मुझे अच्छा लगेगा अगर तन्नु की तरह तुम भी मुझे मॉम कह के बुलाओगी। सॉरी आंटी, आई मीन मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेट मी गेस, आप तुम ऑफिस जाना चाहते हो। आई एम सॉरी आयान, मैं तुम्हें ऑफिस भेजने के लिए जय को कन्विंस नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी शादी के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके बाद मैं खुद यही चाहती हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम तनु के साथ स्पेंड करो, उसे स्पेशल फील कराओ। आई अंडरस्टैंड आंटी। मॉम वो जो सिलेक्शन के लिए ट्रायल मैच होना था, आपको आपके 16 प्लेयर्स मिल गए। ओह, तो अभी भी ये फालतू के बारे में सोच रहा है। वो लड़की इसकी लाइफ से तो चली गई, पर पता नहीं इसके दिमाग से कब जाएगी। आयान तुम तो जानते ही हो कि अच्छे प्लेयर्स मिलना कितना मुश्किल होता है,
10 प्लेयर्स मिल चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? फालतू की वजह से। पर तुम्ही ने कहा ना कि उसकी शादी हो गई है फिर? हाँ, I mean no aunty, mom, मतलब मैं बस ये जानना चाह रहा था कि हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी क्या वो सिलेक्शन के लिए आई थी? नहीं, नहीं आई थी। आयान, फालतू जैसी लड़कियों का सिर्फ एक ही सपना होता है, एक चुटकी सिंदूर, एक पति, दो वक्त की रोटी, तीन बच्चे, that's it। आयान, वो मेरे और तन्नु की तरह ambitious नहीं है, ना ही वो अपने सपनों को लेकर तुम्हारी तरह passionate। तुमने गलत घोड़े पे दांव लगाया था आयान, प्लीज एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। मुझे पता है कि अब फालतू क्रिकेट पिच पर कदम कभी नहीं रखेगी, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसका इंटरेस्ट सिर्फ मित्तल हाउस था। तुम जाओ तनु के साथ बाहर और एंजॉय करो, ओके? यस आंटी। मॉम। मॉम। गुड। शायद कनिका आंटी ठीक कह रही हैं। तुमने तो कभी सपने देखे ही नहीं थे फालतू, वो तो मैं था जो खुद के सपनों को तुम्हारी आंखों में सजा बैठा था। तुम शुरू से मुझे धोखा दे रही थी, बस मैंने तुम्हें पहचानने में थोड़ी देर कर दी। इस सारी मुसीबत की जड़ क्रिकेट था ना, मैंने उसी को उखाड़ के फेंक दी। आज से थारे और मारे रास्ते हमेशा के लिए अलग होंगे। प्यार करने वालों के बीच में क्यों आ रहा है? हाथ वात उठ गया ना हमारा तो हड्डी वट्टी चटक जाएगी, आना नहीं दोबारा। चल, तुझे किसने बताया? किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? किसने दिया हमारा पता? बोल। अरे माता रानी ने बताया हमारे को, तूने तुम्हारे सच्चे प्यार को पहचाना नहीं, लेकिन माता रानी ने हमारे सच्चे प्यार को चाह को पहचान लिया। तूने एक बार भी ना सोचा हमारे बारे में, और मैं हर वक्त खाते पीते उठते बैठते हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचा। हमारी सजा नहीं भैया, और देख तुम्हारी किस्मत तुम्हारे बगल वाले कमरे में ही मिल गई। बोल दिया मैंने। पर तुझे अचानक सपना कैसा है कि हम इसी कमरे में? सपना इतना आया था साले साहब, वो क्या हुआ कि मैं रिसेप्शन पे गया अपनी आईडी लेने के लिए, वहां रजिस्टर में तुम तीन लोगों का नाम देखा। करण सिंह, फालतू सिंह, हमारे प्यारे साले साहब प्रताप सिंह। फिर क्या था, पहुंच गया कमरे में, पहले तुम्हारे को भरोसा ना हुआ हमारी आंखों पे। वैसे मारे प्यारे ससुर जी ना दिखाई दे रहे, कहाँ गए? वैसे उनका इंतजार करके टाइम क्यों वेस्ट करना, चल फेरे काट लेते। चल, अपनी पिछली बार की कुटाई भूल गया तू बप्पी काकू? इस बार तेरा अंजाम उससे भी बुरा होगा। चल सजनिया, पिछली बार ना मैं थारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, पर इस बार तूने जुबान लड़ाई ना तो थारी जुबान काट के नीचे फेंक दूंगा मैं। चल, बचे हुए फेरे काट लेते। पकड़ी, रुक, छोड़ मारी बहन को। अब थारा ये झूठ मौत ना चलेगा, थारे ताऊजी पुलिस लेने गए, अब थारा गेट खत्म। तुमने क्या लगा था सिर्फ थारे को पता है कि हम यहाँ है इस होटल में? गलत, हमने पहले से पता था थारे बारे में, इसलिए ताऊजी पुलिस लेने गए। अब तू नहीं बचेगा। पुलिस, ओए दत्ता, पुलिस के आने से पहले अपनी सजनिया से ब्याह करना मारे को। चल यहाँ से, चल प्रताप भाई साहब, चल। कोई आगे जाएगा, होने वाली घर वाली है मेरी, आगे आएगा आज जान से जाएगा। चल भाग, चल चल। लाडो, पापू साहब, लाडो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा था ना हमारी छोरी से जबरदस्ती ब्याह कर रही है, देखिए कैसे लेकर जा रहा था। इंस्पेक्टर साहब, ये बुढ़ा बुढ़ा झूठ बोल रहा। चुप। अरे मैं दोनों को बचा रहा था इंस्पेक्टर साहब, बोल रहा था। चुप। तेरी सारी गलतफहमियां मैं दूर करता हूं, वो भी थाने ले जाकर।
जितने भी केस तेरे पे दर्ज है ना, सबकी सजा दिलवाऊंगा तुझे अलग से। ले चलो थाने इन्हें। अभी तो मैं जा रहा हूँ सजनिया, लेकिन बहुत जल्दी ये दिलवाला ना दिल जला बन के लौटेगा, सिर्फ तबाही तबाही मचाएगा। तू सिर्फ मारी है, बहुत जल्द आऊंगा, हमारा इंतजार करना। टेंटेंट तो ठीक है तनु, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखो तुम जानते हो ना, ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनता हूँ, मैं कैजुअल वेयर में खुश हूँ ना। सी ये अच्छा है। कम ऑन अयान, शादी के बाद पहली बार हम बाहर जा रहे हैं, लोगों को लगना चाहिए ना वी आर अ कपल कि तुम हो तनिषा मित्तल के हस्बैंड। अब प्लीज नखरे करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है और तुम होके मेरी बात भी नहीं मान रहे हो। नहीं लेकिन तनु, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। प्लीज तनु, ये लो तुम रेडी हो जाओ, मैं 2 मिनट बाद। हाँ मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। हाँ बस हम टाइम से पहुंच जाएंगे, और जो हमने रिक्वेस्ट किया था प्राइवेट लाउंज रिजर्व रखिएगा प्लीज, और जो मैंने स्पेशल केक ऑर्डर किया था वो रेडी है ना? व्हाट, आप लास्ट मिनट पे ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाउ इररिस्पॉन्सिबल। आप 2 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। सिद्धार्थ सेट प्लीज हमारे रूम में आओ ना, सेट प्लीज जल्दी आओ ना। क्या हुआ, किससे बात कर रही थी और सेट को क्यों आवाज लगा रही हो? वो एक्चुअली पार्टी वेन्यू से कॉल था, मुझे सिद्धार्थ से कुछ पूछना था। तुम जाकर रेडी हो ना जल्दी, वरना सब हमारे वजह से लेट हो जाएंगे। जाओ जल्दी जाओ सेट, जल्दी आओ ना। तनु क्या हो गया, आर यू ओके? अयान भाई ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पार्टी वेन्यू पे मैंने जो अयान का फेवरेट बेल्जियम चॉकलेट केक ऑर्डर किया था हमारी शादी की सेलिब्रेशन के लिए, अब वो लोग कह रहे हैं कि वो अरेंज नहीं हो पाएगा, उसके बदले में रेड वेलवेट सेट कर लूं। बट रेड वेलवेट अयान को केक पसंद नहीं है। वो ओनर तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उससे बात करो ना प्लीज। ओके मैं कॉल करता हूं। ये फोन चालू है लो। हेलो मिस्टर राजीव, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, वो ये कहाँ चली गई? तनु अभी लेट हो रहे थे, लगता है सिड अपना फोन भी यहां भूल गया। अभी शोर मचा रहे थे कि लेट हो रहे हैं। गवार नाम से कौन नंबर सेव करता है? सेठ, तनु शोर मचा रही थी। कहीं कुछ अर्जेंट ना हो। सिद्धार्थ भाई साहब, अरे क्यों अपने भाई की परीक्षा ले रहे हो? हाँ फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मारा? यहाँ दरोगा जी ने मारे को मुर्गा बनाए बनाए मारी पीठ कुबड़ी हो गई है जी। ये तो वही बात हो गई है, अपना काम बनता बाढ़ में जा जनता, आपके चक्कर में थाने मारे को मुर्गा बना के रखा है। बड़ी मुश्किल से दरोगा जी से कह कह के मैंने थारे को फोन लगाया जी। देखो मारी आके बेल करा दो। अरे मारी कहानी सुनते रहोगे के? अरे इस तरह माल किसी को ना जानता है, जल्दी आ जाओ। ये आवाज तो पप्पी की है, लेकिन सिड इसे कैसे जानता है? और ये थाने में क्या? अरे साहब तुम क्या कह थारे को? देखो ऐसा मत करो, ये दरोगा जी पहले मानने का तैयार ना कि मैं तारा आदमी हूँ। थारे को मैं केक के बात बताऊं, मैं तो अच्छा खासा नए गांव के अरविंद नाथ होटल में छुपकर बैठा था, और मारे को के पता था कि मारी सजनिया अभी अपने बापू सा और भाई के साथ वहीं छुपकर बैठी है। बस टकरा गए और टकरा गए, झट से उसने पुलिस को बुला लिया।
मारे को यहाँ ताने मिला के बंद कर दिया और तब से दरोगा जी ने मारे को मुर्गा बना कर रखा है। जब तक आप आ रहे हो ना, ये दरोगा जी को बोलो ना मारे को मुर्गा ना बनाए। इसका मतलब पप्पी सिड का आदमी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।